क्या आपको पता है कि आप बस थोड़े से मूंगफली और थोड़े से काजू में चार अंडे को मिलाकर एक ऐसी वायरल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसे हम लोग अक्सर इसे खाने के लिए बड़े से बड़े होटल और रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे ये हमें बहुत ही महंगे दामों में बेचा जाता है। पर आज की ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी अब बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम चीजों से इसे अपने घरों में ही बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूंगफली और जितना हमने मूंगफली लिया उससे आधा काजू लेकर उसमें चार अंडे को अच्छे से मिला लेना है और इसे फिर एक मिक्सी के जार में डालकर इन सभी को हमें बिल्कुल अच्छे से पीस कर एक पेस्ट बना लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसे मिक्सी में पीस कर इसका एक मोटा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया और अब हम इसे एक बाउल या किसी बर्तन में डालकर निकाल लेंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको ये रेसिपी बता रहा हूँ इसका टेस्ट इतना ज्यादा बेहतरीन होता है कि अगर आपने इसे एक बार इस तरह से बनाकर खा लिया तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपको इसे फिर बार बार बनाकर खाने का मन करेगा। सारे पीसे हुए पेस्ट को एक बॉल में निकालने के बाद अब हम एक पतीले को गैस में चढ़ाकर उसमें एक गिलास दूध को डाल देंगे और हमें दूध को बस एक ही उबाल आने तक उबाल लेना है और फिर इसे गैस से उतार कर हम इस दूध को गर्मा गर्म ही उस बॉल में डाल देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूध में जैसे ही एक उबाल आ गया हमने इसे गैस से उतार कर तुरंत ही गर्मा गर्म इस पेस्ट में डाल दिया और साथ ही साथ हमें इसमें आधा कप चीनी भी डाल देना है और दूध और चीनी को हमें इसमें बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। दूध और चीनी को इसमें बिल्कुल अच्छे से मिलाने के बाद अब हमें इसमें एक चम्मच वेनिला एसेंस को डाल देना है। दोस्तों, आपको वेनिला एसेंस आसानी से किसी भी केक वाले या राशन के दुकान में मिल जाएगा और दोस्तों अगर आपको ये ना मिले तो आप इसमें नहीं भी डालिएगा इसे तो भी चलेगा और सभी चीजों को हमें बिल्कुल अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद एक पैन में हमें आधा कप चीनी को डाल देना है और साथ में इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर हमें इन्हें अच्छे से मिलाते हुए कुछ देर तक पका लेना है। दोस्तों, हमें चीनी को तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल अच्छे से पिघल कर थोड़ा लाल ना हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी देर तक इसे पकाने के बाद इसका कलर चेंज होने लग गया है और हमें बस इसे इतना ही पकाना है। उसके बाद हम इस पके हुए चीनी को एक गोल से टिफिन में डाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक गोल सा टिफिन ले लिया, उसके नीचे हम इस पके हुए चीनी को डाल देंगे और इसे इसमें डालकर हम इसे थोड़ा नीचे से चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। इसके बाद हमने जो बाउल में सभी चीजों को मिलाकर रखा था उस पेस्ट को हमें इस टिफिन में ही डाल देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम इस टिफिन के ढक्कन को अच्छे से लगा लेंगे। इसके बाद आइए आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है। गैस में एक कढ़ाई को चढ़ाकर उसमें हमें 1 लीटर के करीब पानी को डाल देना है और उसके बाद हमें कुछ इस तरह का एक स्टैंड को ले लेना है और इसके बीचों बीच हमें रख देना है। और अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह का किसी भी चीज को इसके ऊपर रख सकते हैं जिसके ऊपर आप इस टिफिन को रख सके। उसके बाद हमें इसके ढक्कन को लगा लेना है और दोस्तों इसे ढकने के बाद अब हमें इसे 15 से 20 मिनट तक स्टीम में पकने के लिए छोड़ देना है और 15 से 20 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकाने के बाद अब हम इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इस टिफिन को निकाल लेंगे। और दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। अब हम इसे किसी भी प्लेट में कुछ इस तरह से उल्टा कर बस निकाल लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं बस 4 से 5 चीजों को ही मिलाकर हमारी एक मजेदार सी पुडिंग केक बनकर पूरी तरह से तैयार है और यकीन मानिए दोस्तों, इसका टेस्ट सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। आपको भी इसे एक बार इस तरह से जरूर बनाकर ट्राई करनी चाहिए, आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट कर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।